आज मैं ड्रम स्टिक फ्राई की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो सहजन और मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इसकी सब्जी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आधा केजी के करीब ड्रम स्टिक लेंगे। इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर जो डार्क ग्रीन कलर का जो छिलका है उसे निकाल देना है। इसका छिलका निकाल देने के बाद इसे दो बार पानी से धो लेंगे। उसके बाद इसे बॉईल कर लेना है। इसके लिए एक बोल में आधा लीटर के करीब पानी ले और उसमें मोरिंगा को ऐड करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखना है। 4 से 5 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दे। सहजन के साथ जो बॉईल किया हुआ पानी है उसे हमें फेंकना नहीं है, उसे हम करी में यूज़ करेंगे। अब एक कढ़ाई या फिर एक पैन ले, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करें। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें आधा छोटा चम्मच काली राई और 1/4 छोटा चम्मच हींग पाउडर ऐड करें। साथ में 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 10 से 12 करी पत्ता को तोड़कर ऐड करें। लहसुन जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तब इसमें 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक टुकड़ों में काटकर ऐड करें। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर इसे 1 मिनट तक भून लेना है। इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब ऑयल ऐड करें। एक मिनट प्याज को भून लेने के बाद इसमें 1 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक टुकड़ों में काट कर ऐड करें। अब टमाटर के साथ प्याज को और 1 मिनट तक भून लेना है। 1 मिनट प्याज और टमाटर को भून लेने के बाद गैस का फ्लेम लो पर रख दें। अब इसमें मसाला ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच नमक या फिर स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर या फिर जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर इसे 1 मिनट तक भून लेना है। एक मिनट भून लेने के बाद इसमें बॉईल किया हुआ ड्रम स्टिक को पानी के साथ ही ऐड कर देना है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसका ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है। 2 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दे। इसमें 1 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दे और इसे प्लेट में निकाल ले। इसे आप दाल चावल रोटी या पराठा के साथ सर्व करें। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें। अगर ट्राई करने के बाद आपको रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।